माँ उनके ही तरफ बार बार देख रही थी और बहुत ही अच्छे से देख रही थी। और मैं, अगर आप मेरा इंटरव्यू देखी होंगी तो आप आपको दिखा होगा कि उनकी माता जी उनको बहुत गौर से देख रही हैं। तो इस पर क्या कहेंगी दीदी आप? से एकदम गौर से देख रही हैं, जैसे उनका उनसे बात हो रही है। हाँ, कहने दी। हाँ, इसी उन लोग को डांट होता है जो मेरी बेटी सच्चाई बताना दे, क्योंकि पहला बयान में वो सच्चाई बोल चुकी है, इसके कारण वो दबाव में कुछ छुपाती है। वो बोलना चाहती है पर घर वाले की डर से, उनका दबाव की वजह से बोलती है। इस तरह से बता रही हैं वो कि पति हमारे घर पर थे ही नहीं और मैं खुद मायके में थी, तो क्या कहेंगी इस पर आप? तो वो पति गया होगा घर, वो क्या कहता है पूजा में, उनको बेटा था घर पे, तो उनका बेटा एक बार कॉल नहीं कर सकता जब पापा आ जाइए, एक घंटा के लिए कोई नहीं आ सकता, जरूर आ सकता 15-20 किलोमीटर जो है, 15 घर में रच के वो गए होंगे कीर्तन में, फिर बुलाए होंगे वो अपना पापा जी को आने के लिए, तो एक घंटा के खातिर उनके पापा जी आ सकते। तो कहीं ना कहीं दीदी आपको लगता है कि जिस तरह से वो ये अपना बचने का एक तरकीब ढूंढ, हाँ तरकीब ढूंढ रही है, क्या ये बचने की तरकीब है या फिर ये आपको क्या लगता है? यही जो वो बचने के लिए साजिश बना रहे हैं, बचने की साजिश। तो दर्शकों, जिस तरह से आप तो जानते ही हैं कि पंकज और सोनी मामले में अब जो है सोनी की माँ का कहना है कि जिस समय छोटू का, जिस रात छोटू की हत्या हुई या फिर जो भी मौत हुई, उस रात मेरे पति यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कहीं किसी स्थान का नाम ले रही थी, वहाँ पर गए थे, और वो उनका कहना है कि हम खुद जो है अपने मायके गई थी, ठीक है, लेकिन भाई का उन्होंने नहीं बताई, उनका जो बेटा है उनका वो नहीं बताई कि वो कहाँ थे। अच्छा दीदी, जिस तरह से बता रही हैं वो कि पति हमारे घर पर थे ही नहीं और मैं खुद मायके में थी, तो क्या कहेंगी इस पर आप? तो वो पति गया होगा घर, वो क्या कहता है पूजा में, उनको बेटा था घर पे, तो उनका बेटा एक बार कॉल नहीं कर सकता जब पापा आ जाइए, एक घंटा के लिए कोई नहीं आ सकता, जरूर आ सकता 15-20 किलोमीटर जो है, 15 घर में रच के वो गए होंगे कीर्तन में, फिर बुलाए होंगे वो अपना पापा जी को आने के लिए, तो एक घंटा के खातिर उनके पापा जी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है जमीन उनका कह। हम तो ये भी बात कहे, अच्छा ये बताइए यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है, हो सकता है वहाँ पर गए थे और फिर उसके बाद चले आए हों, क्योंकि कितना समय लगेगा वहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी कितना होता है दर्शकों? 15-20 किलोमीटर की दूरी इंसान अगर चाहे तो 15-20 मिनट में तय कर लेगा आराम से, क्योंकि आजकल का जो है सिस्टम है, इंसान के पास मोटरसाइकिल है, आराम से गया और चला आया, समझ रहे? और साइकिल से भी इंसान अगर जाएगा, साइकिल से भी कि अगर इंसान जाएगा, अगर स्वस्थ इंसान अगर चला रहा साइकिल, तो आधे घंटे में 15 किलोमीटर आराम से पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं दीदी आपको लगता है कि जिस तरह से वो ये अपना बचने का एक तरकीब ढूंढ, हाँ तरकीब ढूंढ रही है, क्या ये बचने की तरकीब है या फिर ये आपको क्या लगता है? यही जो वो बचने के लिए साजिश बना रहे हैं, बचने की साजिश, बचे हैं जी, क्योंकि हम बता देंगे कि हम घर पर थे ही नहीं तो हो सकता है मान जाए मगर उन्हीं का घर का साजिश रचा है। हाँ, सोनी को और दिलखुश यादव को पूछा जाए तो वो बकबक बयान बताएगी, ठीक, मगर चौकी वाले उनको कुछ नहीं करते, शासन कुछ नहीं करते। सोनी का कहना ये है कि हमारे पिता और भाई तो दोषी हो ही नहीं सकते। दर्शकों, वो लड़की, उस लड़की का कहना है पापा और भाई नहीं दोषी है तो कौन दोषी है? हाँ। बताओ नाम, मगर साजिश तो तुम्हारे घर ही वाले रचे हैं। लड़के का भी कोई दुश्मन नहीं था, लड़का कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करता था कि गांव में दुश्मन बनेंगे उनके, तो उनको घर वाले ही साजिश रचे हैं। वो तो बता सकती है ना जी, कौन मारा गया नहीं मारा गया, कौन मारे मेरे भाई जी, वो बताएगी, क्यों नहीं बताती है? दिलखुश यादव उसको पूछा जाए तो छोटी है, छोटी सी, वो बताएगी, उसको कुछ नहीं होता है ना, कुछ ना पुलिस ना प्रशासन कुछ नहीं कहते हैं, इसीलिए उनको लोग को मन बढ़ गया, बढ़ते जा रहा है।
कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ढिलाव दिखाई दे रहा है। ढिलाव तब ये ना वो लोग कुछ नहीं, ना तो एक बार में वो प्रशासन उनको पूछ पाछ तुरंत से एक घंटा में तो वो बकबक बता देते, तुरंत बताते। दिखता है कि जिस तरह से उनकी माँ बात करती है, जब मतलब मैं सोनी का इंटरव्यू ले रहा था, उनसे बात कर रहा था, ठीक है, तो उनकी माँ उनके ही तरफ बार बार देख रही थी और बहुत ही अच्छे से देख रही थी। और मैं, अगर आप मेरा इंटरव्यू देखी होंगी तो आप आपको दिखा होगा कि उनकी माता जी उनको बहुत गौर से देख रही हैं। तो इस पर क्या कहेंगी दीदी आप? से एकदम गौर से देख रही हैं, जैसे उनका उनसे बात हो रही है। हाँ, कहने दी। हाँ, इसी उन लोग को डांट होता है जो मेरी बेटी सच्चाई बताना दी, क्योंकि पहला बयान में वो सच्चाई बोल चुकी है, इसके कारण वो दबाव में कुछ छुपाती है। वो बोलना चाहती है पर घर वाले की डर से, उनका दबाव की वजह से वो नहीं बोल सकती, तो वो बोलती है। दर्शकों, यही है सच्चाई का परत दर परत, कौन खोल सकता है? वो प्रशासन। लेकिन प्रशासन का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ढिलाव दिखाई दे रहा है, और वो यहाँ तक कि अब ये कहने लगी हैं कि हमारे पति दूर थे, 15 किलोमीटर दूर, और हम खुद मायके गए थे। सोचिए, जांच होगी तो पता चलेगा, लेकिन देखते हैं जांच होती है कि नहीं।